नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीरज कुमार है। आज मैं आपके लिए एक बहुत मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है चतुर माटलू। बच्चों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और देखना। एक था चूहा, नाम था उसका माटलू। बड़ी मेहनत से बिल के आसपास मिला खाना इकट्ठा करता था। वहां एक बड़ा सा काला बिल्ला रहता था, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला और पैने दांतों वाला। जब देखो माटलू को डरा के कुढ़ाता रहता था। माटलू के बिल के आसपास का खाना खत्म होने लगा। दूर जाने में बिल्ले का डर। माटलू बड़ा परेशान था, भाई आखिर करे तो क्या करे। अचानक उसकी नजर छिपकली पर पड़ी। दीवार पर रहती थी, नाम था पिली। माटलू ने उससे दोस्ती करने की ठानी। बोला, आज से मैं और तुम दोस्त हुए। काला बिल्ला हम दोनों का दुश्मन। तुम दीवार पर से मुझे बिल्ले के आने जाने की खबर देना। मैं हम दोनों के लिए बढ़िया खाना ढूंढा करूंगा। अब दोनों दोस्त खुश हैं, दोनों को भरपेट खाना मिलता है। बच्चों, दोनों दोस्त खुश क्यों हैं? क्योंकि वे दोनों एक दूसरे की मदद कर रही हैं और दोनों का काम आसान हो गया है। अच्छा बताओ, यहां माटलू क्या क्या खाने के लिए लेके जा रहा है? सोचो वह और क्या क्या खाता होगा। सोचो बच्चों, सोचो। जब काले बिल्ले ने माटलू को इस तरह डराया होगा, तब माटलू क्या सोच रहा होगा? सोचो सोचो। अगर यहां पर कहानी खत्म न हुई होती और अचानक से काला बिल्ला आ जाता, तो पिली और माटलू क्या करते? सोचो सोचो बच्चों।